तो हाय दोस्तों, Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना आज इंडिया में Redmi Note 10T 5G फोन, जो कि काफ़ी ही धमाकेदार फ़ोन है और आपको भी लगा होगा कि काफ़ी धमाकेदार फ़ोन होने वाला हो। लेकिन आज जब Xiaomi ने अपना उसका प्राइस दिखाया अपने स्क्रीन पर, तब सारे लोग बोले Xiaomi हक दिया, Xiaomi हक दिया। मैं उसका स्क्रीन देख रहा था तो मैं इसीलिए वीडियो लेकर आ गया हूँ कि आपको फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसे आपको रीज़न बताऊँगा और फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रीजन होने वाला ये कि अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले वाला फोन चाहिए जिसमें आपको 90 हर्ट्ज और अच्छा खासा ब्राइटनेस मिले, तो आप Redmi Note 10T 5G फोन ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें मिलता है 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। और सोनी क्लेम चलता है क्लेम करता है कि ये स्क्रीन 30 हर्ट्ज तक जा सकती है। एडेप्टिव शिफ्ट इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और बात करें दूसरे रीजन की, जो आपको फ़ोन लेना चाहिए, तो निकल के आ रही है यहाँ पर प्रोसेसर। इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और फिर AnTuTu स्कोर की बात करें तो सोनी अपने खुद लाइव स्ट्रीम में यहाँ पर शो की थी, मैं भी शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2,96,000 यहाँ पे निकल के आ रही है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी है। और तीसरी रीजन बता दूँ कि आपको फ़ोन को देखना चाहिए, आप गेमर हो, लॉन्ग टर्म गेमिंग खेलते हो, तो आपको ये फ़ोन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें मिलता है जो कि मीडियाटेक का नया प्रोसेसर, काफ़ी एफिशिएंट है और 7nm टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और इसमें आपको 2 डे बैटरी मिलती है, 5000 mAh बैटरी मिलती है। और आप बोलिए कि इसमें चार्जर की तरह मिलता है, तो बॉक्स में आपको मिलेगा 22.5 वाट का चार्जर और सपोर्ट करेगा 18 वाट, जो कि 3 घंटे से भी ज़्यादा ले सकती है। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो इस फ़ोन को आप मत देखिएगा। और मैं बता दूँ कि और बताऊँ फोर्थ रीजन जो आप इस फ़ोन को दिखाना चाहिए लेते समय, क्योंकि ये कि 5G फ़ोन है, और आप फ़ोन को ले तो इस प्राइस में, तो आपको फीचर फास्ट एंड फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल सकता है। और इसमें टू बैंड सपोर्ट करता है, N7 और N7 8, क्योंकि इसी बैंड पे बताया जा रहा है कि इंडिया में 5G आएगा। और अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स, जो इस फ़ोन को आप अगर बाई करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको मिलता है आई ब्लास्टर, जो अलग फीचर है, और आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। 3.5 mm जैक मिलता है, जो कि अपने आप में एक अदर फीचर साबित करता है। और अब बात करते हैं Redmi Note 10T 5G की, वो रीजन जिसे आप सुनकर फोन आप नहीं बाई करिएगा। तो पहला रीज़न बताता हूँ मैं, जो कि काफ़ी घटिया यहाँ पर स्वामी ने किया है, इसका कैमरा। पहले फ़ोन की Realme 8 5G ने लॉन्च, उसमें भी यही कैमरा, Poco M3 Pro 5G इसमें भी यही कैमरा, और फिर अगेन स्वामी Redmi Note 10T 5G इसमें भी यही कैमरा। आपको इसमें देखने को मिलता है 48 MP का ट्रिपल कैमरा, जो कि 48+2+2 मिलता है, नो अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा वाइड हटा दिया। और अगर फ्रंट की बात करें तो 8 MP का कैमरा मिलता है, मैं अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी सही नहीं है इस प्राइस रेंज में। अब बात करते हैं दूसरा रीजन, जो कि काफ़ी ही सही नहीं है इसकी चार्जिंग को लेकर। आपको मिलता है 18 वाट की चार्जिंग, और ये लोग पता नहीं बॉक्स में 22 वाट की चार्जिंग क्यों डाल देते हैं। अगर तो चार्जर इनका ऐसा ही स्लो है, कम से कम 33 वाट देना चाहिए था, 27 वाट दे सकते थे अपना फोन एक चार्ज। तो और तीसरा रीजन बताऊँ, और तीसरा रीजन मैं बता दूँ आपको कि जिसका UI है काफ़ी रोस्ट UI है, इन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में अनाउंस भी नहीं किया है कि 12.5 दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं, लेकिन सब घटिया है। और सबसे कचरा बता दूँ इसकी प्राइस है, फोर्थ रीजन, सेम प्राइस में लॉन्च करते हैं पोकम से, मैं डिस्प्ले भी दिखा रहा हूँ, यही प्राइस है और काफ़ी घटिया फ़ोन, इसको आप लेना ही मत पड़ेगा, लेना मत लीजिएगा। अगला नेक्स्ट लॉन्च हो रहा है, जो कि पोको का फ़ोन आ रहा है, पोको X3 GT 18,000 में लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।